एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट आपने जो वीडियो देखी थी उसमें आपने देखा था कि हमने फाइनली अपने घर को हैंडओवर कर दिया है। एक दिन के लिए हम होटल में रुके हैं, मतलब फॉर वन नाइट ओनली, और कल सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट है। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जहाँ रुकी हुई हूँ वाइज़ैक में, वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने सिम लिया वैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आगे का प्लान अभी कुछ ऐसे है कि रात को बस डिनर करेंगे और सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है अराउंड 6:30 बजे, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। और वाइज़ैक जाके भी सब सेट है हमारा कि कहाँ हमें रुकना है। 14 डेज़ के लिए हमारा एक ट्रांजिट बुक है। नेक्स्ट 14 डेज़ या नेक्स्ट मंथ या आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना होगा वो हमें वाइज़ैक जाके ही पता चलेगा, हिसाब किताब क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे साथ जर्नी को एंजॉय करिए आगे की वाइज़ैक तक। होटल में वी हैड रियली लाइट डिनर क्योंकि सुबह को जल्दी उठना था, और हैवी डिनर कर लेती तो सुबह उठने में परेशानी होती है थोड़ी सी। और ये देखो सुबह भी हो चुकी है, काफ़ी प्यारा सा दिन निकला है आज, और मैं काफ़ी फ्रेश भी फील कर रही हूँ क्योंकि शायद से जर्नी लंबी है तो मुझे सुबह से ही एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा। वंस अगेन रमन ने लेओवर फ्लाइट कराई है, बैंगलोर में लेओवर है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई लाइक बैंगलोर एयरपोर्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो एयरपोर्ट, बार बार जाया जा सकता है। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट कराइए और बैंगलोर से कराइए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से पैकिंग करके नीचे। जितने रमन चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा है उतने मैंने सोचा कि बाहर जाके देख लेती हूँ हमारी कैब आ गई क्या। काफ़ी बड़े बड़े लगेज हैं, पता नहीं कैब में अंदर फिट हो भी पाएंगे या नहीं, होपफुली आ जाएं। और इनका जो वेट हो वो भी 15 kg के अंडर हो, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी पर कोई बात नहीं, सूर्य को प्रणाम करते हैं और अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। सुबह का टाइम है तो हमें कहीं भी कुछ भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं मिलने वाला था, तो हम होटल से ही अपना ब्रेकफास्ट पैक करा के चले हैं। और रमन खा रहा है एप्पल इस टाइम पे, तो मैं उसको बोल रही हूँ एप्पल मॉर्निंग्स। इधर अमन मेरे कुछ सर्टेन एक्शंस को पॉइंट कर रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि शायद जब मैं कॉन्शियस होती हूँ तब मैं ये एक्शंस करती हूँ, तो वो ऐसे बता रहा था कि हाँ तब भी तो ऐसे कर रही थी। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप भी बताना आपके साथ भी होता है क्या कि जब आप कॉन्शियस होते हो कि देर आर सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स जो आप करते हो? तो पहुंच गए हैं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गाड़ी डिपार्चर पे लग चुकी है। बस आई होप कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे वो सारे सिक्योरिटी वाली फॉर्मेलिटीज़ में, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। सो गाइस, हमारी फ़्लाइट एकदम ऑन टाइम थी और हमने करीब 9 बजे बोर्ड कर ली थी, 9:30 बजे टेक ऑफ का टाइम है, और करीब हम 10:40 के आसपास बैंगलोर जाके लैंड करेंगे। और गाइस ये देखो कि केरला की पहचान ही अलग है, लुकिंग अमेजिंग फ्रॉम द स्काई, कवर्ड विद लश ग्रीन कारपेट। एंड जल्दी आऊँगी यहाँ फिर से दोस्तों के साथ घूमने, क्योंकि अभी रहता है वैगामॉन मेरा घूमना। तो गाइस बैंगलोर भी पहुंच गए थे, बस यहाँ से ब्रेकफास्ट किया, इतना ही टाइम था और फटाफट से निकल गए और वाइज़ैक की फ़्लाइट फिर से बोर्ड कर ली है हमने। अराउंड 2 बजे अब हम वाइज़ैक पहुंच जाएंगे। तो गाइज़ वाइज़ैक लैंड करने ही वाले हैं बस कुछ देर में, और मुझे नहीं पता आप मुझे स्पॉट कर पा रहे हो क्या, पर मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है आप लोगों के लिए। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये ईस्टर्न घाट हैं, और मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना ऊपर से व्यू, इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा। आई होप कि आप भी उसी तरह से देख पाओ जैसे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इट्स रियली एक्साइटिंग, इतना दूर तक का एरिया कैप्चर किया हुआ है ना ईस्टर्न घाट्स ने। एंड वी हैव लैंडेड जस्ट ऑन टाइम, एंड वंस अगेन हेलो टू वाइज़ैक। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है यहाँ विद इन लास्ट ईयर। तो पिकअप करने के लिए ड्राइवर इज़ हियर और हम निकल चुके हैं अपने नए घर के लिए। वैसे देखा जाए तो वाइज़ैक कम सुंदर नहीं है, बस लेस टूरिज्म की वजह से थोड़ा दूर है आजकल की फैसिलिटीज़ को देखते हुए। पहुँचने वाले हैं अपने अकोमोडेशन में जो हमें मिली है, और 14 डेज ही है, हम पहुँच जाएंगे अराउंड 15 से 20 मिनट में।
अच्छा, क्योंकि वो तो उससे भी पास होगा ना, हमारी पान वगैरह से जल्दी पहुँचनी बनना तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे भी अब कुछ जगह ध्यान नहीं रही है कहाँ इतना टाइम लगता है जाने में। जाके दिखाती हूँ आपको, अभी तो फिलहाल काफ़ी थकी हुई हूँ, बात भी नहीं हो पा रही अच्छे से। चलो फिर करते हैं डायरेक्ट टूर अपने पहले घर का, और मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, सीरियसली आई एम लविंग इट। गुड स्पेशियस लिविंग रूम एंड बेडरूम एज वेल। कमाल तो तब हुआ जब टेरेस पर भी इतना ओपन स्पेस था। यहाँ की अलमीरा को देख के लग रहा है हमारे सारे बैग अंदर ही फिट हो जाएंगे जो कल या परसों में आने वाले हैं हमारी गाड़ी के साथ। तो काफ़ी सारा सामान आने वाला है गाइस, ये काफ़ी ज़रूरी था कि हमें एक स्पेशियस जगह मिल जाए फॉर जितने भी दिन, 14 दिन 15 दिन, तो वो मिल गई है। और आज तो वाइजैक में आते ही मौसम भी बड़ा कमाल हो गया। मैं आपको वही दिखा रही थी कि देखो दोपहर की करीब 3 बजे हैं लेकिन मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है। सामने काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं और ये छत देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब कोई काम करने में, प्लांट्स आएंगे वो रखने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और बार बार मैं आपको मौसम ही दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में तूफ़ान वगैरह आने वाला है, और जो आया भी था काफ़ी तेज़ बारिश के साथ। चलो फटाफट से बेडरूम का टूर ले लेते हैं। देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा जगह है तो मुझे तो पसंद आया है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। ये अलमीरा है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। अभी जब आ जाएंगे बैग तो जल्दी से हम फटाफट से सेट कर देंगे। काफ़ी सारा सामान आने वाला है लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस था और सब कुछ, अच्छी बात है कि नीट एंड क्लीन है। तो हम काफ़ी थक गए हैं, थोड़ी देर अब आराम करेंगे, उसके बाद शाम को चाय पियेंगे। शाम के करीब 5 बजे हैं और मौसम ने करवट बदली है और लगता है मानसून के साथ स्वागत किया है वाइजैक ने। जबकि मुझे लग रहा था कि कोची में गर्मी है और अभी वाइजैक में भी 3 to 4 months ऐसे ही ह्यूमिडिटी वाली गर्मी रहेगी, बट चलो आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ। कल का दिन भी काफ़ी बिजी रहने वाला है क्योंकि होगा ये कि मुझे सिम लेना पड़ेगा अपना नया एयरटेल का। तो होपफुली यहाँ पे एयरटेल का सिम मुझे जल्दी से मिले और मेरे अच्छे नेटवर्क आए क्योंकि तभी ये सारी वीडियोस अपलोड हो पाएंगी। अभी मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा इन वीडियोस को आप तक पहुँचने में, तो देखते हैं। जब भी आएंगी आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मुझे बताते रहना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ये भी कि वाइजैक आपको कैसा लगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद से मेरे वीडियो के थ्रू ही फर्स्ट टाइम वाइजैक देखा होगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये देखो गाइस अगली सुबह भी हो गई है और सुबह का व्यू कितना प्यारा था। भैया आ चुके हैं क्लीनिंग करने के लिए, जितने यहाँ पे रहेंगे उतने यहाँ पे जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वही आके क्लीन करके जाएंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद भी हम कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, पर उसके लिए हमें चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी क्लीनिंग के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन क्योंकि इतना सारा सामान हमें दोबारा भी शिफ्ट करना है। तो चाय पी लेती हूँ मैं सुबह की, उसके बाद निकलते हैं अपना काम करने के लिए जो था सिम लेके आने का। ज़्यादा तो नहीं गाइस, पर मैं ये कहूँगी अपना व्हीकल ना होने का थोड़ा सा ये नुकसान है। अभी हम जहाँ रुके हुए हैं वो इट्स लाइक कि बेस के बीच में वो जगह है, तो वहाँ पे कोई ऐसा आसपास कोई हमें व्हीकल नहीं मिला कि खाली आ रहा हो कहीं से और हमें मिल सके कोई सवारी, तो हम पैदल ही चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब हीट वेव जो बोलते हैं ना वो वाला मौसम था आज, हीट वेव वाला, क्योंकि शाम को हुई थी बारिश। सुबह तक अच्छा मौसम था लेकिन जब धूप निकली है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।